तो गाइस मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का आदिवासी हूँ और जस्ट हूँ भाई मलेशिया कोलालंपुर में। 17 अक्टूबर को कोलालंपुर, ये जो मलेशिया की कैपिटल है, यहाँ पे आया था। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे डिजिटल, ये मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड और यहाँ का जो होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मुझे इमिग्रेशन पे यहाँ आते ही रोक दिया है। ठीक है, मैं पिछले तीन नाइट और ये चौथा दिन चल रहा है, मैं एक कमरे के अंदर हूँ, यहाँ पे रेस्क्यू अरेस्ट करा हुआ है। ठीक है, कमरे के अंदर। पब्लिक, राहुल बामनिया को तो आप लोग जरूर जानते होंगे दोस्तों, नहीं जानते तो मैं आप लोगों को उसका डायलॉग याद दिला दूं। मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का आदिवासी, यह डायलॉग आपने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं। अगर नहीं सुना तो इंस्टाग्राम पर रील आपने देखी होगी, इंस्टाग्राम पर रील इसकी काफी ज्यादा वायरल है और इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा पॉपुलर है ये राहुल बामनिया, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक आदिवासी बंदा। लेकिन ये इंडिया से बाहर गया था घूमने के लिए, जो कि इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, तो इंटरनेशनल ट्रिप थी इसकी मलेशिया में, मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर के। वहां पर राहुल बामनिया को एक होटल के बंद कमरे में किडनैप कर रखा है, जब्त कर रखा है, उसको बंदी बनाकर रखा हुआ है राहुल बामनिया को। वहां के लोगों ने, जो कि मलेशिया की कंट्री वाले लोगों ने राहुल बामनिया को वहां पे किडनैप कर रखा है, एक तरह से बंदी बनाकर रखा हुआ है। वहां पर राहुल बामनिया अकेला नहीं, और भी दूसरे लोग है वहां पर, उनको भी बंदी बनाकर रखा हुआ है, जो कि अलग अलग कंट्री से वहां पर घूमने आए थे, ट्रिप के लिए घूमने आए थे। तो राहुल बामनिया ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया, पोस्ट किया, तब सबको पता चला कि राहुल बामनिया किसी होटल के अंदर मलेशिया में बंद है, किसी कमरे के अंदर। तो वहां के लोगों ने राहुल बामनिया के पास जो वीजा पासवर्ड आता वो उन्होंने ले लिया है, तो राहुल बामनिया को इंडिया अभी तक नहीं आ रहा। और राहुल बामनिया 17 अक्टूबर को इंडिया से गया था ट्रिप के लिए, घूमने के लिए, तो इस बात को लेकर अभी तक 4 से 5 दिन होने जा रहे इस बात को। तो दोस्तों, राहुल बामन ने वीडियो शेयर किया है तो मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले राहुल बामन को वीडियो क्लिप देखो। तो गाइस मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का आदिवासी हूँ। ठीक है, तो गाइस मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का आदिवासी हूँ और जस्ट हूँ भाई मलेशिया कोलालंपुर में। 17 अक्टूबर को कोलालंपुर, ये जो मलेशिया की कैपिटल है, यहाँ पे आया था। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे डिजिटल, ये मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड और यहाँ का जो होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मुझे इमिग्रेशन पे यहाँ आते ही रोक दिया है। ठीक है, मैं पिछले तीन नाइट और ये चौथा दिन चल रहा है, मैं एक कमरे के अंदर हूँ, यहाँ पे रेस्क्यू अरेस्ट करा हुआ है। ठीक है, कमरे के अंदर यहाँ पे मेरे साथ भाई ये सीरिया से भी है, जो इनका नाम है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी फंस जाते हैं मलेशिया के अंदर, तो थोड़ा सा इमिग्रेशन यहाँ का बहुत हार्ड है और बंदे फंस जाते हैं, और मैं भी अभी फंसा हुआ हूँ यहाँ पे पिछले 4 दिनों से। और भाई सब मतलब ये गलती कुछ भी नहीं है, सब कुछ इमिग्रेशन की चीजें जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी है मेरे पास, सब कुछ है, फिर भी रोक दिया है तो ठीक है। और मेरे पास पासपोर्ट है नहीं, वो इमिग्रेशन वालों ने जब्त कर लिया है। ओके, और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मैं मलेशिया से यहाँ पे भाई फंस गया हूँ, मतलब वापिस आ जाऊँ अपने इंडिया में। ठीक है, मेरी ये एयर एशिया की फ्लाइट थी अहमदाबाद से, वापिस आ जाऊं, और मैं अभी जस्ट मलेशिया के अंदर हूँ, कोलालंपुर एयरपोर्ट के अंदर। ठीक है, और ब्रो मेरे साथ इनके पास, अगर आपको यकीन नहीं होगा मैं मलेशिया में हूँ, आपको मैं लाइव अपना वो बता देता हूँ, मतलब मैप के अंदर मैं कहाँ पर। ब्रो यू कैन ओपन योर मैप, देखो ओ वेट, ये देखो यहाँ पे ये रहा भाई, ये मलेशिया के अंदर हूँ। ठीक है, और अपना इंडिया ये रहा, इधर ये रहा इंडिया, और मैं अभी जस्ट मलेशिया के अंदर हूँ, ये देखो। और भाई भी पिछले 15 दिन से यहाँ है, और एक भाई सूडान से है जो अराउंड 20 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग फंस गए हैं इधर। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके, और मैं इंडिया वापस आ जाऊँ, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, और क्या बोलना था, बस शेयर कर दो भाई वीडियो को और मैं इंडिया आ जाऊँ जल्दी से।
आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा है तो राहुल बामनिया की बातों पर बहुत सारे लोगों को तो विश्वास भी नहीं हो रहा था, तो राहुल बामनिया वहां पर लाइव लोकेशन ट्रैक करके भी बताए आप सभी को, वीडियो क्लिप में आपने देखा होगा। नवरात्रि खत्म होने के बाद राहुल बामनिया ने उसकी आईडी पे प्रोफाइल पे एक रील्स अपलोड करी थी जो कि मेरी अगली इंटरनेशनल ट्रिप कहाँ पर होने वाली, यूँ बताया था। वो सबको पता चल गया कि इंटरनेशनल ट्रिप मलेशिया की होने वाली थी, अभी मलेशिया में है राहुल बामनिया। बट दोस्तों उस रील के अंदर अपने आदिवासी भाइयों का गलत गलत कमेंट भी आ रहा मैंने पढ़ा है, और ये बताया गया है कि राहुल बामनिया इंटरनेशनल ट्रिप जाने से पहले अब वो 10 बार सोचेगा। भाई मतलब आप लोग ये सोच रहे हैं कि मतलब राहुल बामनिया फंस गया तो अच्छा हुआ, लेकिन अपना आदिवासी भाई फंसा है तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे लेकिन उसका मजाक बना रहे। तो दोस्तों सपोर्ट करो अपना आदिवासी भाई, अपने झाबुआ डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर फंसा हुआ है जो कि दूसरी कंट्री में, आप लोग सोच सकते हो 4000+ किलोमीटर की दूरी पर वो अभी बाहर है, तो आप लोग उसका सपोर्ट नहीं कर रहे और उसको मजाक बना रहे इस रील के अंदर, ऐसे ऐसे गलत कमेंट आ रहे। लेकिन बहुत जल्द राहुल बामनिया आ जाएगा इंडिया, लौट आएगा अपने झाबर डिस्ट्रिक्ट में वापस, बहुत जल्द आएगा। तो सबसे पहले आएगा वो इंडिया में, इंडिया से आएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद से सीधा सीधा झाबुआ आ जाएगा। तो इस प्रकार से राहुल बामनिया बहुत जल्द वहाँ से रिहा होगा, निकल जाएगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी जी से, राहुल गांधी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आदिवासी और हमारे खास करके दोस्तों हमारे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के MLA डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे राहुल बामनिया जो कि अपने आदिवासी समाज का राहुल बामनिया फंसा हुआ है तो जल्दी से जल्दी इसको वापस लाया जाए, मेरा यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोगों का इस मुद्दे, इस मामले पर क्या बोलना है, फुल सपोर्ट करना, कमेंट में लिखो जय जोहार जय आदिवासी, और शुभकामना दो राहुल बामनिया को, वो बहुत जल्द आने वाला है इंडिया झाबुआ। तो जय जोहार, आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाने का, इसमें डरने का नहीं, करके जाने का।